Let's take a look at our beginning segment of the exclusive interview featuring Shri Suresh Chandra. The commissioner applauded the great efforts of Indian Abroad. ये ट्रिप के बारे में आप कुछ बताएं, आप यहाँ किस लिए आए हैं और कैसा लगा यहाँ के लोगों के साथ मिलना? हमारे इंडियन डायस्पोरा में बहुत लोगों के साथ आपका मिलना हुआ है, तो कुछ उसके बारे में आप बताएं। मैं यहाँ एक अपनी पर्सनल विजिट पे आया हुआ हूँ और आई एम पार्ट ऑफ द डेलीगेशन of students who have come here to interact in various universities and law institutions. मैं हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे भी मिला हूँ और मैं उनकी प्रोग्रेस, उनकी दूरदर्शिता और उनके सहज भाव से बड़ा प्रभावित हूँ और मैं इससे भी प्रभावित हूँ कि उन्होंने अपनी जो अपने भारतवर्ष की वैल्यूज़ हैं, वर्च्यूज़ हैं, उनको बिल्कुल रखा हुआ है। जो हम भारतीय जो जाने जाते हैं अपने मूल्यों के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए और अपनी मेहनत के लिए, तो उन लोगों ने ये अभी मुझे लगा कि वो अभी बरकरार है। क्या चेंजेज आप नए इस गवर्नमेंट में देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। मैं भारत सरकार में करीब 3 दशक से काम कर रहा हूँ। मैं अभी सुपरएन्यूएट हुआ हूँ 2018 में एज लॉ सेक्रेटरी और एज ए लॉ सेक्रेटरी आई हैव सीन गवर्नमेंट एंड द पावर फ्रॉम ए वेरी क्लोज रेंज। हमारी जो उदार नीति 1991 में शुरू हुई और अब 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अब इम्पेटस, जो एक गति प्रदान की है, वो बहुत अच्छी है और इसमें हमने बहुत काम किए हैं और हमने जो एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स इतने अधिक किए हैं जिनका अब रिजल्ट आना शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, जो जिस तरह से हमने अपने लॉ का सिंप्लीफिकेशन किया है, हमने करीब 2000 एक्ट हमने रिपील किए हैं इन 5-6 सालों में और इतना अधिक कोऑपरेशन, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी एमिनेंस में आई है कि आप देखेंगे इंडिया विल डेफिनेटली राइज एंड विल लीड द वर्ल्ड। तो आप बताएं कि किस तरह से भारत की इकॉनमी में जो डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशंस में, हेल्थ सेक्टर में, उसके बारे में आप थोड़ा देखिए। हमारी अगर इंडिया को हम देखें तो 3 भागों में इंडिया का डेवलपमेंट बांटा जाता है। पहला अप टू 1980s बहुत स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, फिर 1980s के बाद 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया तो उसके बाद एक प्रोग्रेस और एक्सेलरेट हुआ हमारा ग्रोथ। अब ये जो थर्ड फेज़ है वो है लीगल रिफॉर्म्स एंड पुटिंग द इंडिया इन द ड्राइवर्स सीट आफ्टर हैविंग डेवलप्ड इवॉल्व्ड, दो स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री, लेकिन द वे आवर गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड रिफॉर्म मेजर्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेजर्स एंड द वे दे हैव try to reach out to the whole world। तो उसके अंदर मैंने ये देखा है कि हमने ease of doing business में बहुत अंक अपने हासिल किए हैं। हम 1943 पे थे, अब हम करीब 70 पर हैं और हमने जो लॉ जितने हमने इन 4-5 सालों में
रिपील किए हैं या उनका सरलीकरण किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरा, जो हमने माइलेज लिया है और जिस तरह से हम वर्ल्ड में आउटरीच कर रहे हैं, वो अपने आप में देखने का विषय है। मैं समझता हूँ पहले जो हमारी पॉलिसीज थी वो ये थी, वी यूज़ टू रेस्ट्रिक्ट मोनोपोलीज, नाउ वी आर दी वेरी बिग मार्केट, वी हैव ऑलमोस्ट फोर्थ लार्जेस्ट इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड अवर प्रोफेशनल पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी बिग। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ओवर 600 million पीपल हु आर बिलो 25 years एंड दैट 600 million स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेशनल्स दे आर नॉट ओनली वेल वर्स्ड इन वन और टू लैंग्वेजेस, दे हैव proficiency and they are trained in three languages, one international language, one Hindi and one English. वो ये जो चीज़ है ये हमें इतना आगे ले जाएगी, क्योंकि ये जो potential है वो किसी country के पास नहीं है, और हमारे पास ये क्योंकि हम young country के उसमें माने जाते हैं, और जिस तरह से हमारी सरकार जो हमारे business है वो ग्रो करें एंड दे शुड बिकम द वर्ल्ड लीडर्स। सो कंपटीशन लॉ लेके आए हम, हमने MRTPC को रिपील किया, नाउ अवर प्लेयर्स बिजनेस पीपल दे विल बिकम ग्लोबल प्लेयर्स एंड द रीज़न इज बिकॉज इंडिया मेक्स ड्यूरेबल गुड्स, सो वी आर बाउंड टू कम इन एमिनेंस, वी आर बाउंड टू एक्वायर lot of companies and जो हमारे पास cheap labor है, हमारे पास labor available है, हमारे पास raw material available है, हमारे पास जो ये अच्छी policies जो सरकार की हैं उससे हम बिल्कुल definitely will become the world leader. I visualize this.